मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के साथ आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, या आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है यतो धर्मस ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कि जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है, और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आज कितना सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल त्रिपुरा के अंदर है। क्या यह माहौल आज से 7 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या यह संभव था? क्या यह सुरक्षा का माहौल इस रूप में था? संभवतः नहीं। मुझे याद है जब पूज्य संत शांति काली महाराज ने आश्रम की श्रृंखला को खड़ा करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था 1994 में, उनका कार्य अद्भुत था, सराहनीय था, हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है, अभिनंदनीय है। और शांति काली महाराज ने उस समय जो संकल्प लिए थे, आज चितरंजन महाराज उस कार्यक्रम को मजबूती के साथ बिना रुके बिना डिगे बिना थके कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए तो भारत सरकार भी आज आपका अभिनंदन कर रही है। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक सम्मानों में से एक है, उस पुरस्कार से आपको सम्मानित कर रही है।
क्योंकि इस क्षेत्र में जिस ऊर्जा के साथ आपने काम किया है, अपने गुरु के संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वे अभिनंदनीय है। लेकिन यहां पे हमारे त्रिपुरा के महाराज भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम दोनों एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनकी मातृपक्ष भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है और मैं भी उत्तराखंड में, मेरा भी जन्म हुआ है और इसीलिए एक आत्मीयता हम लोगों में है। उनका बचपन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी, उनका स्टेट का भी वहां पे कुछ हिस्सा है। और मैं उनको एक बात उनके संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा कि महाराज इस जरूर ध्यान में रखना कि त्रिपुरा स्वतंत्र इसलिए था क्योंकि त्रिपुरा के राजा के पास सामर्थ्य थी, शक्ति थी, उन्होंने यहां की जनता को एकजुट करके विधर्मियों के लिए भी और उन आक्रांताओं की ताकत को भी समझा था और उनको अपनी ताकत का एहसास कराया था, इसलिए त्रिपुरा सुरक्षित रहा, स्वतंत्र भी रहा। जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा, लेकिन जो भी अपनी ताकत को खो करके अपने दुश्मन और मित्र को समझने में भूल करेगा वह हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस खतरे को भांपा था 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को जानता था कि अगर हम इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा चलाई गई दुर्भय संधि का शिकार होते रहेंगे तो वे इस देश का विभाजन कराएंगे, हिंदुओं को कत्लेआम कराएंगे और फिर इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की जातीय परंपरा को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और वह जो दुस्वप्न था वह सच साबित हुआ, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और यही नहीं है तो 1905 में ही बंग भंग के समय आपने देखा होगा, अगर उस समय बंगाल विरोध नहीं करता क्या स्थिति पैदा हुई थी, क्या करने की साजिश हुई थी। और उस समय भी ये लोग यही कार्य कर रहे थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के नाम पर हजारों शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रही है। उसकी पहली विद्यालय की शुरुआत 1950 में गोरखपुर से होती है, इसलिए मुझे याद है गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है, गोरखपुर में इसका शुभारंभ होता है। आज हजारों स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के धर्म और संस्कृति का पालन करते हुए हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रही है, सेवा के प्रकल्पों का संचालन कर रही है, 1,00,000 से अधिक गांवों में एकल विद्यालय संचालन का काम अकेले विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में कर रहा है। और श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से भी, मुझे याद है मेरे स्वयं के आश्रम गोरखपुर में 1984 में जनजातीय छात्रावास प्रारंभ हुआ और उसमें नॉर्थ ईस्ट से, त्रिपुरा से, मेघालय से, नागालैंड से, यहां से सैकड़ों बच्चे जाकर के उसी आश्रम में अध्ययन करते थे और जब उनकी शिक्षा पूरी होती थी वे वापस इस क्षेत्र में आकर के अपनी आजीविका के साथ जुड़ते थे।
आज भी वहां पर श्रीराम वनवासी कल्याण आश्रम संचालित है। हमारा दूसरा आश्रम एक और जनपद बलरामपुर में है, वहां पर भी ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल भी बना है और छात्रावास का संचालन उस आश्रम के माध्यम से होता है। और विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हजारों ऐसे स्थानों पर ट्राइबल बच्चों के लिए इस प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र संचालित करके उनके उज्जवल भविष्य के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करता है। हां, यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य का प्रोपोगंडा नहीं करता है, अपनी सेवा की सौदेबाजी नहीं करता है।